आज हम एक ज्वलंत मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, वो मुद्दा है ईडी की कार्रवाई। चाहे चुनावों का माहौल हो या रियल इस्टेट के जितने भी दिग्गज हैं, आज सभी के मन में ईडी का डर है तो समा गया है। लोगों के मन में ईडी का डर इतना समा गया है कि वो ईडी का नाम लेते ही डर जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई करते हुए ईडी को जो फटकार लगाई है, वो कहीं ना कहीं ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उस पर लगाम लगाने के लिए काफी होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज, मैं हूं ललित वर्मा। ईडी से उम्मीद रखी जाती है कि वह प्रतिशोध की भावना से दूर रहकर हमेशा सत्यनिष्ठ और निष्पक्षता से काम करेगा। ये बात बीते मंगलवार को गुरुग्राम के एक रियलिटी ग्रुप M3M के डायरेक्टर्स की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कही। सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के दो मामलों में फटकार लगाते हुए अरेस्ट को कैंसिल कर दिया है। जस्टिस AS बोपन्ना और संजय कुमार की बेंच ने कहा कि जांच एजेंसी को पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए और बदला लेने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात मंगलवार को गुरुग्राम के एक रियलिटी ग्रुप M3M के डायरेक्टर्स की याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। कोर्ट ने आगे कहा कि उम्मीद की जाती है कि ईडी का हर एक्शन पारदर्शी, ईमानदार और कार्रवाई के सबसे ऊंचे और पुराने स्तर के मुताबिक होगा। हालांकि इस केस के तथ्य बताते हैं कि एक एजेंसी अपनी जिम्मेदारी निभाने और अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करने में नाकाम रही है। अब जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है। रियल इस्टेट कंपनी के दो डायरेक्टर्स पंकज और बसंत बंसल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 14 जून को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद उसी दिन उन्हें एक दूसरे केस में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद दोनों ने ही PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की थी। उन्होंने यह भी कहा कि इस गिरफ्तारी में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को भी दरकिनार कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए दोनों की तत्काल रिहाई के निर्देश देते हुए कहा कि मामले में तथ्य दिलचस्प हैं, क्योंकि ईडी अधिकारी द्वारा आरोपियों को गिरफ्तारी के आधार पर लिखित प्रति दिए बिना मौखिक रूप से पढ़ा गया है, जिस पर गंभीर आपत्ति है कि वह ईडी के बारे में बहुत कुछ कहता है और उसकी कार्यशैली खराब करने का असर डालता है, खासकर तब जब एजेंसी पर देश की वित्तीय सुरक्षा को संरक्षित करने की जिम्मेदारी है। पीठ ने कहा कि ईडी को पारदर्शी होना चाहिए, बोर्ड से ऊपर होना चाहिए, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा के प्राचीन मानकों के अनुरूप होना चाहिए और अपने रुख में बदले की भावना को कतई नहीं रखना चाहिए।